22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, लेकिन प्रदेश के जिला कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 22 जनवरी को पार्टी दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा और साथ ही कौशल्या माता मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कांग्रेस के कार्यकर्ता करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा दीपक बैज ने। दरअसल 22 जनवरी को कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी पर धर्म गुरुओं के अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा और दूसरी चीज कि हमारे पुराने राजीव भवन कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा और उसके बाद माता कौशल्या के मंदिर में हमारे दोनों शहर और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा वहां पे सुंदरकांड का पाठ वहां पे आयोजित किया।